विशेषकर हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए पर निष्कासित करने में सफल हुए और उनको दागी बनाकर छोड़ा है। अभी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं दिया है वो जो है स्वइच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष मोदी ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें। परंतु इस बीच में इन जो रेजिग्नेशन जो अभी इंक्वायरी माननीय अध्यक्ष मोदी के पास पेंडिंग है, उस बीच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है इन्होंने इसमें शामिल हो गए, जो दल बदल कानून के जो है उल्लंघन में है। और इन विधायकों ने भी जो है तीनों ने एक माननीय उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की है कि हमें जो है रेजिग्नेशन जो है माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो याचिका आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है। परंतु पिछले कल जो है हमने एक याचिका अलग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया है, जो हमारे दल बदल कानून के जो प्रावधान है उसी के तहत जो है ये याचिका मैंने फाइल की है कि हमने उसमें निवेदन किया है कि जो दल बदल कानून के तहत, क्योंकि इन विधायकों की अभी रेजिग्नेशन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी पेंडिंग है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए इनको दल बदल कानून का जो उल्लंघन करने के लिए इनको जो है निष्कासित किया जाए। तो ये जो याचिका हमने कल दायर की है उसके ऊपर जो है माननीय अध्यक्ष ने जो है आज के लिए उस पर जो है आगामी कार्रवाई के लिए जो है रखा हुआ है। और इसी ये जो याचिका जो हम मैंने जो उसमें दायर किया है उसमें यही मांग की गई है कि इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जो करने से पहले, क्योंकि वो तो अभी पेंडिंग है उसकी इंक्वायरी चली हुई है, परंतु अब रेजिग्नेशन से पहले इन लोगों ने जो है कानून के विरुद्ध जो है दल बदल कानून के विरुद्ध इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ये इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष के समय सामने सम्मुख जो इंक्वायरी चली हुई थी इन तीनों ने जो है अपने बयान में मान लिया कि इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो अब माननीय अध्यक्ष मोदी के सामने मेरा दरखास्त है कि वो पहले इसके ऊपर फैसला करें कि ये जो है दल बदल कानून के तहत दायरे में आते हैं और इस कानून के उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है जो निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इस कानून के तहत वो जो है फिर अनसीट हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो ये हमने जो है एक प्रेयर जो है माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने रखी हुई है, जिसके ऊपर आज आगामी कार्रवाई के लिए
प्रेषित है। और साथ इसके अलावा जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस संदर्भ में हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बना है। और उसका जो उदाहरण ये है कि बढ़िया कैसे बना है, क्योंकि जैसे ही ये जो है घोषणा पत्र जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अटैक करना शुरू किया और इनको जो है बड़े हाईएस्ट लेवल से इसके अंदर जो बातें हैं उससे बड़ी जलन इनको हो गई है। और इसके बारे जो इसके अंदर तथ्य दिए गए हैं उसको गुमराह करके लोगों में पेश करने की बरसक प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भी शुरू कर दिया है। अगर आप नए पत्र जो पत्र है हमारा उसमें देखें तो हमने 8 किस्म के जो है न्याय की बात की है। इसमें जो न्याय की बात की है, सबसे पहला जो है हिस्सेदारी न्याय, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया और ये कहने शुरू कर रहे हैं कि आपके जो है लोगों के जो है धन को छीनकर आम आदमी के अंदर बांटा जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में बिना कोई कंपनसेशन दिए किसी का जो है धन हो, किसी का कोई ज़मीन हो, अचल या चल संपत्ति को जो है सरकार नहीं ले सकती है। और कानून भी बना है कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन जो है, सीलिंग एक्ट लगा हुआ है और सीलिंग एक्ट के तहत उसको जो है मैक्सिमम जो है लैंड रखने की उसको आज़ादी है। और हमारा जो न्याय हिस्सेदारी न्याय है इसमें यह कहा गया है जो समाज में सबसे निचले स्तर पर है, जो लोग आज तक जो है भूमिहीन है, उनको सरकार जो है भूमि देगी। और भूमि कहाँ से देगी? जो सरकार की अपनी भूमि है उसी में से भूमि देगी। हमारे पास चाहे वो फॉरेस्ट के जो ज़मीनें हैं, चाहे जो दूसरे जो है रेवेन्यू लैंड्स हैं, इन लैंड्स को जो है भूमिहीन लोगों तक देने की बात की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी इसका जो है गलत प्रचार करके कह रहे हैं कि लोगों से छीनकर जो है उनका धन जो है लिया जाएगा। और यहाँ तक नीचे उतर गए हैं कि ये कहने लगे कि जो है महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीने जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले कौन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं। पुलवामा जैसे में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जो विधवाएँ हैं उनका मंगलसूत्र छीनने में किसका हाथ रहा है? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे ऐसे जो इनकी नीतियाँ बनी हैं जो देश के हित में नहीं थे। आज मणिपुर में, आज जो है कहीं देश के अंदर अन्य जगह जहाँ दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पर सारा सारा जो है ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये जो जातिवादी की राजनीति करते हैं, उसके कारण हो रहा है। और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि हमारे कुछ प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जो न्याय पत्र है इसमें जो है जीना का जो है आत्मा है। अब जीना जी जो है पाकिस्तान के, वो भी जो है मशहूर जो है उनके नेता रहे हैं, और जो आज़ादी से पहले इस देश के नेता रहे उसमें तो जो ये जो भाजपा के जो विचारधारा के लोग जीना के साथ मिलकर इन्होंने उसमें जो ये काउंसिल जो बनते थे हमारे मिनिस्टर्स में, जो सरकारें बनती थी, प्रांतीय सरकारें बनती थी, उसमें ये दोनों साथ मिलकर करते रहे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के जो ये जो सर्वाकर हैं और दूसरे जो लीडर हैं ये जो है इनके साथ, इनकी जो आत्मा है वो जीना की आत्मा में है, इनके मिले हुए ये लोग। तो ये ऐसा कहना गलत है। ये जो न्याय पत्र है इसमें एक छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को किस किस्म का हम न्याय देने जा रहे हैं, वो बात कही गई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है एक इस देश के लिए एक आने वाले समय में एक सोच है कि हम कैसे अल्पसंख्यक हैं या हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार लोग हैं, चाहे हमारे सेना में जो अग्निवीर जैसे, मतलब 4 साल के अंदर आपने अग्निवीर की जो कोशिश की है, उन सबको हटा के
हम इस देश को जो है दोबारा से विकास की राह पे लाना चाहते हैं, वो हमारा न्याय पत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।